में कार्यक्रम में कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले मैं सभी सम्माननीय महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि राजगीत के सम्मान में खड़े होने का कष्ट करें। वर्ष 1922-23 के नरवा योजना के अंतर्गत लगभग 300 करोड़ की लागत से कार्य एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है सर। इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा हुआ है। इसके साथ साथ लघु उपज वर्ष 2020 के तेंदुपत्ता के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण एवं लघु वनोपज उत्पाद के परीक्षण हेतु स्थापित प्रयोगशालाओं का वर्चुअल लोकार्पण ये इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वन मंत्री जी, हमारे सम्माननीय संसदीय सचिव जी, आदरणीय गिरीश देवांगन जी, आदरणीय विनोद वर्मा जी, राज्य कैंपा के सभी सम्माननीय सदस्य, उपस्थित अधिकारीगण एवं साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं श्री सुब्रत साहू अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार सर, आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, सम्माननीय वन मंत्री जी का भी स्वागत है, साथ में मैं माननीय सांसदीय सचिव एवं विधायक श्री चंद्रदेव राय जी, राज्य कैंप के सदस्यों सामान्य सदस्य श्री पंकज माधव जी, श्री शेख जी, श्रीमती लक्ष्मी साहू जी, धनंजय जी, एम सूरज जी, साथ में उपस्थित श्री गिरीश देवांगन जी और रुचिर गर्ग जी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। संक्षिप्त में अवगत कराना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में तीन प्रकार के गतिविधियों से संबंधित शिलान्यास, शुभारम्भ और भूमि पूजन तथा पारितोषिक का परिश्रमिक का वितरण एक साथ किया जाएगा। इसमें अवगत कराना चाहूँगा कि जो कैंपा के एपीओ में 2022-23 में जो 40 वनमंडलों के अंतर्गत 300 करोड़ 52 लाख के कार्य उनके जो लागत के नरवा के विकास के अंतर्गत जो कार्य हैं उनका भूमि पूजन प्रस्तावित है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा। दंतेवाड़ा, कवर्धा और मनेंद्रगढ़ में विगत वर्षों में नरवा विकास योजना अंतर्गत जो कार्य किए हैं उनका लोकार्पण और हितग्राहियों से चर्चा प्रस्तावित है। महासमुंद वनमंडल में अंतर्गत इको टूरिज्म के कार्यों का शुभारंभ है, इसमें सर 5 साइट्स हैं जो कि एक जगह पे ही वो लोग एकत्रित हैं और वहाँ से उनसे परिचर्चा और संवाद हो जाएगी। तेंदुपत्ता वर्ष 2020 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का भी एक कार्यक्रम जो है इसमें सम्मिलित है और प्रयोगशाला उनसे संबंधित प्रस्थापित प्रयोगशाला का भी इनाग्रेशन है। तेंदुपत्ता वर्ष 2020 का जो पारिश्रमिक वितरण कार्यक्रम आपके करकमलों से होना प्रस्तावित है। मैं आगामी कड़ी में सर आपको स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि आगामी कड़ी में श्री राकेश चतुर्वेदी जी उनका प्रस्तुतिकरण करें। सर, आज इस अवसर पर हमसे
वीसी के माध्यम से प्रदेश के सभी वन मंडलों के अधिकारी कर्मचारी स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो तेंदुपत्ता संग्रहण के जो संग्राहक हैं सर और नरवा योजना के जो हितग्राही लाभान्वित हुए हैं वो सभी वीसी के माध्यम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में सर वर्ष 2020 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण एवं लघु अनुपज उत्पाद के परीक्षण हेतु जो प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं इनके संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं श्री संजय शुक्ला प्रबंध संचालक लघु अनुपज संघ को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सर, जैसे कि विदित है सर कि 2020 का हम लगभग 35 करोड़ की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में 4,72,000 फैमिलीज़ को आज हम वितरित करेंगे जो ऑनलाइन उनके खातों में जमा होगा सर। जब सर सरकार आई थी और उसके बाद जो 2500 से 4000 किया गया था उस समय एक संशय था कि अब तो ये नुकसान पे फेडरेशन चला जाएगा और प्रोत्साहन राशि तो भूल जाएगी, बट सर दो वर्ष जो हैं 2019 और 2020 इसमें हमने लगभग 100 करोड़ का आपके माध्यम से वितरण ऑलरेडी हमने प्रोत्साहन राशि किया है जो कि कोरोना काल का जो सबसे समय था उसमें ना केवल हमने राशि वितरित की सर जो खरीदी की साथ में 100 करोड़ का आज दो साल का अपन ने किया है सर। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ सर उसके बाद में दो वर्ष और निकले हैं सर 21 और 22, ये जो 22 का भी हो रहा है और 21 में हम 160 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि हम वितरित करेंगे सर और 22 में 290, मतलब कुल मिला के 450 हम सर अगले जून जुलाई में जब ये स्थिति रहेगी हम 450 करोड़ और 650 करोड़ जो हम उनका जो खरीदते हैं तो लगभग 1100 करोड़ का सर हम अगले जून जुलाई में हम ऐसी स्थिति में रहेंगे कि एक तेंदुपत्ता तिहार आपके माध्यम से हम करेंगे सर उस समय और 1100 करोड़ रुपए सर हम उस समय वितरित करेंगे, उसकी हम पूरी तैयारी तब तक हम रख लेंगे सर। तो एक ये था सर। दूसरा सर, आपने जिस प्रकार से वनोपज और अन्य गोठानों में जो स्व सहायता समूह हैं उनके प्रोत्साहन जो दिया है सर और जो सी मार्ट जिला लेवल की सी मार्ट है छत्तीसगढ़ हर्बल पे जो हम लोगों ने काम किया है उस पर एक बहुत प्रमुख बिंदु था सर कि उसका क्वालिटी किस तरह से रखा जाए। तो अभी सर जो टेस्टिंग वगैरह नहीं होती थी तो हमने सर पिछले 6 महीने के प्रयास रद्द करके हमने ऐसे 5 लैब आज आपके माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं सर, जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जहाँ पर ना केवल छत्तीसगढ़ हर्बल के बट जो गठानों के में भी जो उत्पाद हो रहे हैं सर, जो बिहान के जो उत्पाद हो रहे हैं, अन्य जो सेक्टर के हैं वो सारे लोग भी वहाँ पर जाके कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे में उनका प्रशिक्षण परीक्षण हो जाएगा सर और वो जो क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही है क्योंकि ये सब ये खाद्य पदार्थ हैं, औषधि हैं, इनका भी सारा टेस्टिंग हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा सर इस पर है। अगर बाद में होगा तो हम उसके और विस्तार करेंगे ज़रूरत होगी सर। सर ये इस मौके पे मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। आपने सर अभी जो फूड ग्रेड महुआ जो आपने दंतेवाड़ा में देखा था और आपने कहा इसका बहुत विस्तार होना चाहिए, इस साल सर हमने लगभग 5,000 क्विंटल किया था, अगले साल हम इसकी तैयारी कर रहे हैं 60,000 क्विंटल की और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 60,000 क्विंटल के लिए ऑलरेडी हमको ऑर्डर मिल भी गया है। अब उसको सर हमको तैयारी करनी है, वो हम अगले फरवरी मार्च से जब कलेक्शन होता है बट अभी हम कलेक्टर DMF से उनका जो नेट और उसकी हम व्यवस्था हम कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा सर एक 60,000 क्विंटल का ये काम होगा सर। आपने कोसा के बारे में कहा था सर, अभी सीज़न चालू होने वाला है अगले महीने और हम लगभग 10 करोड़ का रैली कोसा भी हम खरीदेंगे। इसके अलावा सर जो कोदो कुटकी का जो खरीदी पिछले साल की गई थी वो करीब 16 करोड़ का हुआ था, इस साल हम लगभग 40 करोड़ का क्योंकि पहले हमने केवल कुछ ब्लॉक्स में रखा था, अब हम पूरे राज्य में इस बार कोदो कुटकी रागी का हम करेंगे। इसके बाद सर जो आपने जो कहा है कि पिछले 2-3 साल में जो संग्रहण में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा काम होना चाहिए, ये सर आपके निर्देश आपने दिए थे सर, अपर मुख्य सचिव ने भी इस बात को हाईलाइट किया है सर। मैं इस पर कुछ बताना चाहता हूँ सर कि हाल ही में छत्तीसगढ़ हर्बल के 8 कंट्री के सर हमारा एग्रीमेंट हो गया है, 8 कंट्री में सर छत्तीसगढ़ हर्बल जाएगा, 2 करोड़ के ऑर्डर भी हमको सर मिल गए हैं। ये जो कंट्री हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, सिंगापुर, UAE, फिलीपींस एंड वियतनाम, यहाँ का प्राइवेट कंपनी है, हमारा उसका एग्रीमेंट हो गया है और इन कंट्रीज़ में सर इस साल 8 कंट्री में छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड का जाएगा सर। इसके अलावा सर हम बल्क सेल भी कर रहे हैं जो कि लगभग 1.5 करोड़ का हमने सेल कर दिया है। जो सर सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रही है उसको तो हम अपग्रेड कर ही रहे हैं। इसके अलावा सर आपने ये भी निर्देश दिए थे कि बड़ी इंडस्ट्री भी लगना चाहिए, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगले 3 महीने से 1 साल के बीच में 7 इंडस्ट्री अपना ऑपरेशनल चालू हो जाएंगी सर, उसमें से एक इंडस्ट्री लग रही है बस्तर में, बस्तर ज़िले में, दूसरी कांकेर ज़िले में,
तीसरा कोंडागांव जिले में और एक गरियाबंद जिले में, चार ये हैं सर, और तीन सर पाटन में लग रही हैं। ये सातों इंडस्ट्री सर अगले 3 महीने से 1 साल के बीच में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और ये इंडस्ट्रीज़ जो है लगभग 140 करोड़ इस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है सर, और ये हर साल 15,000 मेट्रिक टन वनोपज का सर इस्तेमाल करेगी, और उसका जो टर्नओवर है लगभग 400 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा सर। तो ये कोई अब ऐसा भी नहीं है सर प्लानिंग का, ये 1 साल के अंदर ये ऑपरेशनल हो जाएंगे सर, ये जो 7 इंडस्ट्री हैं, इसके अलावा और हम प्लानिंग कर रहे हैं, बट ये 7 इंडस्ट्री सर 1 साल की हमारी स्थिति में ये आ जाएगी सर। तो इतना मैं आपको कहना था सर, और आपके कमलों से जो प्रोत्साहन राशि का वितरण करना है, आप एक क्लिक दबाएंगे सर सारे अकाउंट्स में चला जाएगा। धन्यवाद सर। एक आपका जो 5 प्रयोगशालाएं हैं सर, ये वहाँ पर सभी हमारे इक्विप्ड प्रयोगशाला है, उसका भी लोकार्पण सर आपके माध्यम से होगा। प्रयोगशाला जुड़ी हुई है सर, आज सब आपको देख रहे हैं सर, और सब लोग वहाँ पर प्रोत्साहित होंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद संजय। सर इसके पश्चात आपकी जो एक महत्वपूर्ण परिकल्पना और सोच थी सर नरवा विकास की, इस दिशा में पूरे प्रदेश में नरवा के जो नोडल ऑफिसर थे सर, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, और पूरे प्रदेश में सर 30,000 नरवा चिन्हांकित किए गए थे, जिसमें से 8,000 नरवा जो थे सर वो वन क्षेत्र में थे, और ये कैंपा निधि के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से इसमें जल संरक्षण और भू जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है सर। इस योजना के अंतर्गत अब तक 6,395 नरवा में जो वन क्षेत्र में स्थित हैं इनको उपचारित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 2,785 नरवा में निर्माण कार्य सर पूर्ण कर लिया गया है, लगभग 9 लाख हेक्टेयर का इसका कैचमेंट होता है सर। इस योजना को उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से सर लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए समय समय पर ICRG के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण कराया जा रहा है, और इसमें बेसलाइन सर्वे के द्वारा नरवा का चिन्हांकन करके GIS पद्धति से DPR तैयार करके स्थानीय स्तर पर रिच टू वैली अप्रोच पर इसका क्रियान्वयन किया गया है सर। और विगत 3 वर्षों में मैं यहाँ इस पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा सर कि जबकि कोरोना के संक्रमण काल से पूरा देश गुजर रहा था, उस समय सिर्फ नरवा विकास योजना के अंतर्गत 72 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन आंतरिक क्षेत्रों में वन क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत किया गया था सर। इसमें अभी तक के सर हम लोगों ने 6,395 जो वर्ष 22-23 जिसका आज भूमि पूजन आपके कर कमलों से होने जा रहा है सर, इसमें 1503 जो नरवा हैं उसमें लगभग 300 करोड़ की लागत से ये कार्य इस वर्ष प्रारंभ किया जाएगा। इसके विषय में जो एक बार बार बेसलाइन सर्वे करके सर इसकी मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन की बात हमेशा आती है, जो कि बहुत ही एक आवश्यक कार्य है सर, और इसके लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद जो इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है सर, इनको थर्ड पार्टी इवेल्युएशन के लिए हमारी MOU की प्रक्रिया जारी है सर। बहुत जल्दी ये पूरा मॉनिटरिंग एवेल्युएशन का काम हम इसरो को सौंप देंगे सर। इसको इस विषय में कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री श्रीवास राव मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैंपा को आमंत्रित करता हूँ। पैमाने पर आपका निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जा रहा है, और इसमें हमको रिज टू वैली अप्रोच के आधार पर लगभग 37 इंजीनियर्स का भी हमने लिया गया है सर। ये सभी लोग है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लोग है, और उनके माध्यम से 34 इंजीनियरों के माध्यम से और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का द्वारा टोटल 8,000 नरवों को चिन्हांकित किया है सर। वन क्षेत्र में 6,395 नरवों का उपचारित किया जा रहा है। इस वर्ष 1500 नरवा 22-23 में उपचारित किया जाएंगे सर। 2785 नरवों का कार्य पूर्ण हो चुका है। टोटल सर भारत सरकार से हमको 1289 करोड़ रुपया का स्वीकृति 22-23 को सम्मिलित करके प्राप्त हुआ है।
और एक कार्य प्रगति पे है सर, अभी तक 443 करोड़ का राशि का व्यय किया गया है सर। इसके अंतर्गत हमने नरवा विकास योजना के अंतर्गत 398,522 नग नालों का उपचार सर, इस नालों का अंदर जो स्ट्रक्चर्स बना है वो वाला है, और उपचारित क्षेत्र है सर जो नाला के बाहर का क्षेत्र है, यहाँ कंट्रोल ट्रेंचेस ब्रशवुड चेकडैम ये निर्मित किया गया है, वो है 47,790 हेक्टर का क्षेत्र में उपचारित संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है सर। नेक्स्ट स्लाइड में, और नरवा विकास योजना के अंतर्गत ये स्ट्रक्चर का साथ साथ फलदार वृक्षारोपण का भी किया जा रहा है सर, उसी क्षेत्र में जहाँ जहाँ रिक्त स्थान हो रहे हैं, इस कारण से हमको वनों का आसपास की भूमि पर भूजल स्तर में वृद्धि हो रहे हैं। आपके द्वारा जो दिया गया निर्देश अनुसार, नेक्स्ट स्लाइड में सर, सबसे पहले हम कार्य प्रारंभ करने का पहले बेसलाइन सर्वे का माध्यम से किया जाता है सर। मई महीने में नरवा का प्रारंभ करने का पहले बेसलाइन सर्वे का काम किया जाता है, उसमें वो नरवा का वाटर फ्लो स्टेटस क्या है, 12 महीने में कितना फ्लो होता है, किस महीने तक का फ्लो होता है, हमारे इंटरवेंशन के बाद वो कितना महीने तक का नाला का फ्लो बढ़ते जा रहे सर, और मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मई महीने में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये उपचारित करने के बाद फिर मॉइस्चर कंटेंट, फिर उसी स्थान पर हम मिट्टी लेके सर मॉइस्चर का कंटेंट को देखेंगे, और सॉइल इरोजन स्टेटस कितना है, वहाँ वाटर लेवल स्टेटस ओपन वेल्स में सर, आसपास का वेल्स में कुएं में कितना पानी है, ये नरवा के इंटरवेंशन का कारण से कितना हो रहा है, और इसी प्रकार का। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये उदाहरण के लिए ये कोरिया जिले का वनमंडल का फूलवारी नाला में फरवरी तक जल की उपलब्धता थी, यहाँ उपचारित हो गया सर बेसलाइन सर्वे में, और जलों को उपलब्धता उपचार का पश्चात है सर, ये मार्च एवं अप्रैल तक का जल की उपलब्धता हो रहे हैं, और आसपास की कुएं में 30 सेंटीमीटर का जल स्तर में बढ़ोतरी हुआ है सर। इसी प्रकार का लोझरा नाला में मार्च तक जल का स्थिति है सर, कार्य करने का पहले कार्य का बाद अप्रैल तक की जल की उपलब्धता हो रहा है, आसपास कुएं में 20 सेंटीमीटर का जल स्तर बढ़ोतरी हुआ सर। हर महीने का डेटा हम लोग ने लिया जाता है सर। इसके साथ साथ ये हमारा द्वारा इंटरनल अरेंजमेंट से करने वाला सर्वे है सर, हमने इसको जब विश्व स्तर का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है सर, अब सदगुरु जी भी इसी पर कार्य कर रहे हैं, 30,000 किलोमीटर का चलते आ रहे सर लंदन से यहाँ तक भूमि का संरक्षण कार्य के लिए, अपन लोग उनसे भी काफ़ी आगे है सर, 22 लाख हेक्टर का क्षेत्र को अपन लोग उपचारित किया जा रहा है। और नेक्स्ट स्लाइड में ये इस प्रकार का हर महीना हमने वाटर फ्लो का डेटा को रिकॉर्डिंग करता है सर। और नेक्स्ट स्लाइड, और सॉइल इरोजन का स्टेटस है सर, मीडियम 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 है, हाई है, और उपचार करने के बाद सर सेकेंड सर्वे में लो में आ गया सर, ये मीडियम भूक्षरण से लो में आ गया सर, इस प्रकार का अपना उपचार का परिणाम मिल रहा है सर। इस परिणामों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए साइंटिफिक वे में करने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से करने का उद्देश्य सर NRSC हैदराबाद से हम लोगों से समझौता हो गया है सर, वो इसरो को गया है, वेटिंग करके वो लोग भी भेजेंगे, तो उनके द्वारा हम पूरा थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का कार्य को करवा देंगे सर। नेक्स्ट स्लाइड सर, ओपन वेल स्टेटस के बारे में बता दिया हूँ, कुओं का स्टेटस के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। ये नरवा जिन जिन जगहों में हमने 19-20 से कार्य आपके निर्देशानुसार प्रारंभ किया गया सर, नेक्स्ट स्लाइड में, इस प्रकार का 19-20 में हमने 160 करोड़ से चालू करते हुए अभी 1,289 करोड़ तक का में पहुंच गया सर हमने, और ये संरचनाओं का निर्माण सर स्वीकृति संरचना है 1 करोड़। ये फिगर कई लोगों को शंकास्पद होता है सर, क्योंकि हम लोग ने कंट्रोल ट्रेंचेस है सर उसको फिर हेक्टर में परिवर्तित किया गया है, तब भी 46,000 हेक्टर में पूर्ण रूपेण काम हुआ है सर। 1 हेक्टर में 3 मीटर का कंट्रोल ट्रेंचेस को जो खोदा जाता है सर उसके अनुसार हमने हेक्टर में भी किया गया था, तो अभी तक 34,336 हेक्टर में ये है सर, और कंट्रोल ट्रेंचेस और ये वाला है सर, कुल संरचनाओं का संख्या है सर 94,67,213 स्ट्रक्चरों का। नेक्स्ट स्लाइड सर, नरवा विकास योजना APO 22-23 का जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हुआ है सर, अभी इसके अंतर्गत तो वनमंडलवार 1503 नरवों में ये है, आगे सर जो नरवा है छोटा छोटा नरवा है सर उसका भी हम लोग एक APO में कवर कर लेंगे, और 6,261 हेक्टर का है सर, और टोटल अमाउंट है 352 करोड़ रुपये का स्वीकृति हमको मिला है। आपसे निवेदन है कि ये कार्यक्रम को आप शुभारम्भ करेंगे तो हमने फील्ड में ये कार्यों को
तत्काल प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये नरवा विकास योजना के अंतर्गत सर 19-20 में कितना संरचनाओं को हमने बनाया गया है, नेक्स्ट स्लाइड। 20-21 में कितना किया गया है, उसका प्रोग्रेस है सर ये। और नेक्स्ट 21-22 में कार्य अभी प्रगति पर है सर। आपके निर्देशानुसार सर वन क्षेत्र में बड़े बड़े तालाबों को निर्माण करने का निर्देश आपने दिया था, इसके तहत हमने 85 करोड़ रुपये भारत सरकार से स्वीकृति लेके सर कई जगह पे अभी वो कार्य भी कंप्लीशन में है, उसका परिणाम भी आपको हमने वर्चुअल मोड का माध्यम से दिखाएंगे सर। ये सभी अर्थन डैम का है सर, इसका नेक्स्ट पीछे स्लाइड दिखा दीजिए सर। ये आसपास का एरिया में भी वो 30-40 मॉडल्स हमने ट्रीट किया सर, इस कारण से वहाँ का पानी को हमेशा रहने के लिए मौका मिल रहा है सर उसको। नेक्स्ट स्लाइड में ये वाला स्टेज है, 30-40 का आसपास का एरिया में किया है सर, पूरा जल ग्रहण क्षेत्र है उसका, तब ये तालाब में पानी हमेशा बना रहने की संभावना बना रहेगी सर। यदि केवल तालाब ही को देंगे, ये काम नहीं करेंगे तो सर वो वहाँ पानी का रुकने का कोई संभावना नहीं है सर। नेक्स्ट स्लाइड। ये नारायणपुर डिवीजन का है सर, एक जगदलपुर डिवीजन का चित्रकूट में कांगेर नाला पर किया गया सर। सर मैं भी अभी हम लोग भी बीजापुर वनमंडल का अंदरूनी क्षेत्र में भी गया सर, सुकमा में भी। ये कार्य से ग्रामीणों का बीच में हमारा बहुत अच्छा गुडविल MFP का कलेक्शन का कारण से, इसका कारण से हम लोग निडर होके हुए अंदर तक जा रहे हैं सर, काम को देखने के लिए स्वागत ही बोल रहे हैं कि आप लोग का ये वाला काम को किया जा सकता है पानी का काम के लिए। ये नेक्स्ट ब्रशवुड चेक डैम से सर, ये लूज बोल्डर चेक डैम है, छोटा छोटा नालों में प्रथम चरण द्वितीय चरण नालों में ये निर्माण किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेंचेस है सर, ये भी स्ट्रेगर्ड कंटूर ट्रेंचेस है, मुर्रम वाला ज़मीन में सर इस प्रकार का पानी रुकने से जलस्तर बढ़ने का बहुत अच्छा संभावना है सर, मुर्रम का ज़मीन है सर टोटल। नेक्स्ट लाइन। ये कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंचेस है सर, लंबा ट्रेंचेस को खोदेंगे, ये 30-40 का मॉडल है सर ये। नेक्स्ट वाटर अब्जॉर्प्शन टैंक्स है सर, छोटा छोटा टैंक्स को उस प्रकार का कठिन मिट्टी वाला लैटरेटिक सॉइल में निर्माण करने से पानी का रुकने का संभावना है सर। नेक्स्ट लाइन। चेक डैम है सर, ये कांकेर डिवीजन का। नेक्स्ट और मिनी परकुलेशन टैंक सर, सहाल जहाँ लिनमेंट्स है सर, जहाँ फ्रैक्चर्स है उस जगह में हम लोग ने परकुलेशन टैंक करके और वहाँ बोर्ड भी लगा रहे, इसमें पानी नहीं रहेगा, पानी भूजल स्तर में रहेगा बोल के सर, ताकि लोग फोटो दे खींच के बाद में बोलेंगे कि तालाब खोदा पानी नहीं रुका है, तो उनका भी सुशिक्षित कर रहे सर इसके माध्यम से। नेक्स्ट सर, ये मानपुर राजनांदगांव का अंतर्गत का मवेशियों का भी देखिए सर, पूरा मवेशियों का भी पीने का पानी का व्यवस्था हो रहा है वहाँ। नेक्स्ट ये चेक डैम है सर, चक्रधर नाला भानुप्रतापुर, वेस्ट भानुप्रतापुर कापसी का अंतर्गत निर्मित किया गया वाला। नेक्स्ट स्लाइड। ये धनोरा नाला बैकुंठपुर कोरिया डिवीजन में है सर। नेक्स्ट और ये रायकेला नाला बकावंड बस्तर डिवीजन में है सर इसका। नेक्स्ट ये असिरगुड़ा कुंटा का ब्लॉक में है सर, असिरगुड़ा का वहाँ का जो निर्माण किया गया स्ट्रक्चर्स है सर, ये पानी से भरा हुआ है। नेक्स्ट ये अर्थन डैम है सर, जो आपका निर्देश के अनुसार बड़े बड़े तालाबों का जो निर्माण किया गया था, ये रामानुजगंज बलरामपुर डिवीजन में किया गया है सर। नेक्स्ट ये नेक्स्ट है सर, जो इस वर्ष भारत सरकार द्वारा इको टूरिज्म का विकास हेतु महासमुद्र वनमंडल के लिए 5 करोड़ रुपया दिया गया है, एक जशपुर में भी दिया गया है सर। महासमुद्र वनमंडल में सिरपुर बानवापरा और कोडार बांध और शिशपाल पर्वत, ये सभी चीज़ों का अंतर्गत प्राकृतिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है सर। नेक्स्ट ले। अभी समय में माननीय संसदीय सचिव महोदय और विधायक लोग भी महासमुद्र में है सर, देवकी कर्मा मैडम दंतेवाड़ा में नरली जगह पे उपस्थित है सर। नेक्स्ट ले। केशोर रिजर्वायर का है सर, महासमुद वनमंडल का। नेक्स्ट शिशपाल पर्वत का है सर ये वाला नज़रिया। नेक्स्ट दशकुंड वाटरफॉल महासमुंद जिले का है सर, इसका भी विकास करने के लिए इसका आसपास क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट ये सिरपुर का भी आसपास का जंगल का एरिया में कार्य करने के लिए भी प्रस्तावित है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट माननीय मुख्यमंत्री जी, हम नरवा विकास योजना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है सर। ये वन अधिकारियों का बहुत दिनों का सपना है,
का, बट सॉइल वाटर कंजर्वेशन हमेशा नेग्लेक्ट रहा है, आपका कार्यकाल में इसको बहुत अच्छा से कार्य हो रहा है सर। सर एक छोटा सा फिल्म बनाया गया था सर नरवा के ऊपर, ये आपके समक्ष प्रस्तुत। फिल्म अभिन अंग हवय, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होही कि यहाँ बन ही जन जन के जीवन आए। राज्य के लगभग 44% क्षेत्र में फैले ये अनमोल वानिकी धरोहर और वन्य प्राणी मल्ला बचाए राखे की जिम्मा उठाए है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर जी। वन संपदा ला बचाए बर और कृषि के उपज ला बढ़ाए बर वर्षा के पानी के संरक्षण सबले ज्यादा जरूरी और उपयोगी हवय। तेखरे सेती माटी पुत्र भूपेश बघेल जी हा नरवा विकास योजना के शुरुआत करे हे, जेखर ले प्रदेश के प्राकृतिक संपदा और ओखर ले जुड़े रहवासी मन के विकास कार्य ला नवा दिशा मिलत है। ये योजना राज्य के सुनहरा और सुरक्षित भविष्य की योजना है। नरवा यानी छोटे छोटे नाला ऊपर आने आने संरचना के निर्माण करके पानी ला रोके के काम छत्तीसगढ़ प्रतिकारात्मक वनोरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा के तहत करे जाते, जेखर ले भूमि के उर्वरकता घलो बढ़त और जंगल के सुरक्षा घलो होत। जंगली जानवर मल्ला घलो पिए के पानी सहज उपलब्ध होए ले ओमन अपन क्षेत्र मा सुरक्षित महसूस करत और गांव डहार ओखर मन के जाए के संभावना कम हो जाती। वन और वन्य जीव मन के संरक्षण और संवर्धन पर नरवा विकास योजना के तहत बर्बाद होया वर्षा के पानी ला बचाए के काम बखूबी हुआ थे। 18 आने आने संरचना के माध्यम ने जल संरक्षण के संग मिट्टी के कटाव ला कम करे, पानी के गति ला कम करे, नाला के प्रवाह ला ज्यादा समय तक जीवित रखे, कुआं और तरिया के जल स्तर मा बढ़ाए और भुइया मा लंबा बेरा तक नमी बनाए रखे के काम घलो इस संरचना के माध्यम ने हुआ थे। वन क्षेत्र ला ज्यादा समय तक भू जल मिल सके ये प्रकार के संरचना के निर्माण घलो नरवा विकास योजना के तहत हुआ थे। वन विभाग डाले जंगल ला बचाए बर और बढ़ाए बर जारी वृक्षारोपण के काम ला घलो ये योजना के शुरू होए ले नवा गति मिला थे। संघी कृषि बर घलो नरवा विकास योजना वरदान साबित हुआ थे। छत्तीसगढ़ प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कैंपा के तहत राज्य के 33 वन मंडल, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टाइगर रिजर्व, 1 सामाजिक वानिकी और 1 एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत कुल 8000 नरवा में 6390 ले ज्यादा नरवा के जीर्णोद्धार कराए जाते। ये योजना ले वन और विकास के क्षेत्र में तो लाभ मिलत, संगे राज्य के युवा मन ला रोजगार के नवा अवसर घलो मिले है। नरवा विकास योजना राज्य के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के मजबूत आधार बन के उभरत है। हरा भरा जंगल और लहलहात खेत के जैसे ही अब यहाँ के युवा मन के सपना लहलहात है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसे परिवर्तन ले जुड़े अनेक समस्या के असर ला कम करे के उपाय हवे नरवा विकास योजना। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के संग ही पर्यावरण बर महती नरवा विकास योजना के शुरुआत करे बर छत्तीसगढ़ राज्य के वन के कणकण और जन जन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति कृतज्ञ हवे। दत्तेवाड़ा बात करेंगे प्लीज। आदेश है तो हम पूजन कार्य की करवाते हैं। क्या हो गया?
स्टॉप कर दीजिए, इधर का नहीं दिख रहा है, स्टॉप कर दीजिए फिर से। नहीं ठीक है, बातें करते हैं। हेलो दंतेवाड़ा, ये शेयरिंग कैंसिल कर दीजिए प्लीज। आ गया, कबीर धाम बात करेंगे प्लीज। कबीर धाम नमस्कार सर, हम ग्राम पंचायत लूप के भोती ग्राम में खड़े हुए हैं सर। हमारे साथ यहाँ इस ग्राम के सरपंच, उप सरपंच, बैगा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दसरू बैगा जी और गांव के आसपास के ग्रामीण जनप्रतिनिधि सभी उपस्थित हैं सर। हम लोग यहाँ पर सर 2020-21 एपीओ के अंतर्गत हमने 38 लाख रुपए की राशि से एक अर्दन डैम का निर्माण किया हुआ है सर। इस अर्दन डैम के जस्ट नीचे पर सर 36 बैगा परिवारों का निवास है सर। लगभग 100 से 150 एकड़ जो जमीन है इसकी पूरी सिंचाई होगी सर। साथ ही जो अर्दन डैम में यहाँ मछली पालन का काम किया जाएगा, इसमें आपको बताना चाहूंगा सर, अभी जब मनरेगा का काम बंद था, उनके कर्मचारियों का हड़ताल था, उस समय में इन ग्रामीणों को यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है सर। सर अगर सर आपकी अनुमति हो तो सर यहाँ उद्घाटन लोकार्पण का काम किया जाए सर। बिल्कुल शुरू करें। डैम जो अर्दन डैम है उसको देख सकते हैं सर। अभी कैमरा हमारा मूव हो रहा है 360 डिग्री पे। नहीं ये विधायक इधर बैठे हैं, कवर्धा वाले चलो दिखाओ, विकास प्राधिकरण वाले से बात दिखाओ, डैम को दिखाओ ना, घुमाते जा घुमाते घुमाते जा। दस रुपए का से बात कराओ भाई, आ जाओ इधर। नमस्ते सर। नमस्ते, जोहार। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। अतुल विधायक तक बैठे, अमर वन मंत्री तक बैठे, अकबर भाई बैठे, अकबर भाई दिखा तो ला। हाँ अच्छा बोला, जो है जोहार नहीं करा था। हाँ अकबर भैया, जय जोहार भैया। बताओ नरवा कार्यक्रम कैसे लगा तोला? अच्छा लगी सर, बहुत बड़े बांध बनी। हाँ। बांध बने से बहुत फायदा हुई सर। का फायदा हुई से? यहाँ बहुत सिंचाई हुई सर, 100 एकड़ जमीन ला सिंचाई मिल जाए किसान नहीं कला बहुत। हाँ। निकला अच्छा, यहाँ जैसे जंगली जानवर है सब पानी पी। हाँ। और गाय मवेशी सब, और मछली पालन भी कर सकते हैं सर यहाँ। अच्छा हाँ, तो 100 एकड़ में काय बो रहे हैं? यहाँ तो धान पहुँचे सर पहले। हाँ। धान बाद में धान काटने के बाद चना बटरा मसूर पहुँचे हैं सर। अच्छा दो फसल ले था अब? हाँ दो फसल लेते हैं सर। चलो खूब बधाई दसरू भाई। बधाई सर। मरेंद्रगढ़ बात करेंगे प्लीज। अपना माइक म्यूट कर लेंगे, माइक म्यूट कर लेंगे प्लीज वहां से। देखो मरेंद्रगढ़ ग्राम भोता के पास जो खारी नाला है वहां से बात कर रहा हूँ सर। यहाँ हमारे साथ वहाँ भोता ग्राम के सभी ग्रामवासी हैं सर। इस खारी नाला में अर्थन डैम बना है सर, उसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। ग्राम भोता के पास ये अर्थन डैम की जो लंबाई है 210 मीटर है सर और ऊंचाई 10 मीटर है। लागत राशि 65 लाख है सर। इसका कैचमेंट एरिया 55 हेक्टेयर है सर।
जिसकी संभावित एरिया का मान 32 हेक्टेयर है सर। इसमें लाभान्वित जो परिवार है सर 40 परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे सर, जिसमें अनुमानित रकबा 30 से 35 हेक्टेयर है सर। अन्य परिवारों को सर यहाँ निस्तार के साथ साथ मछली पालन की प्रचुर इसमें संभावना ही है सर। निर्मित अर्दन डैम से लगा हुआ एक गोठान है सर क्षेत्र में, जो कि पशुधन हेतु लाभ प्रसिद्ध होगा सर। तो अगर महोदय माननीय महोदय से निवेदन है सर, अनुमति हो तो सर लोकार्पण के कार्य आपके अनुमति के अनुसार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल करो तुरंत। तकनीकी दल से निवेदन है सर कि अर्दन डैम के लिए लाइव ड्रोन वीडियो प्रदर्शित करने का करेंगे सर। ये जो नाला है सर सेकेंड आर्डर के नाला है सर, जिसमें अर्दन डैम 210 मीटर के बनाए गए हैं। इसके ऊपर में पर्कुलेशन टैंक भी बना हुआ है सर। और इसके जो राइट साइड में सर बौता ग्राम बसा हुआ है सर। जिसकी हाइट लगभग 10 मीटर हाइट की है। पानी भरा दिखाई दे रहा है अभी गिरा, ये पानी दिखाई दे रहा है अभी गिरा पानी। हाँ अभी पानी बहुत बारिश हुई है सर, इसमें हवा तूफान भी आया था इसमें सर। अच्छा ठीक है, खेतों भी दिख रहा पीछे नीचे पानी दिख रहा है। और फॉरवर्ड करें आगे बढ़ाएं। हाँ जी सर, सर आपसे विनम्र निवेदन है सर कि यहाँ के उपस्थित भोता के ग्राम पंचायत के सर ग्रामीण जन हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं सर, अनुमति हो तो इनको प्रदाय करें। बात कर रहा हूँ, कौन बात करेगा, सरपंच की कौन है? नहीं सर, वो सरपंच के पति मैं जलाल सिंह के काम बोल रहा हूँ श्रीमान। काम जी साहब सम्मानित भूपेश काका, जय जवाहर। जय जवाहर। मोर नाम जयलाल सिंह टेकाम है जी। मैं अपन गांव के बारे में ये जो नरवा के माध्यम से यहाँ डैम बना है मंत्री महोदय जी, हमें बहुत खुश हुआ। क्या है कि बगल में यहाँ गौठान भी बना हुआ है, उसमें भी पानी हम लोग बोर करवाए तो पानी कम निकला। और इसके माध्यम से नजदीक में इतना पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। दूसरी बात, हमारे गाँव में मंत्री महोदय कई हैंड पंप ड्राई निकले, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस तालाब बनने से हमारे गांव में उसका पानी लेवल ऊपर आ जाएगा। दूसरे बात, जो किनार कगल में जो गांव है हम लोगों का बस्ती बसा हुआ है सर, उसमें भी हम लोग दो फसल खेती लेते हैं, जैसे गेहूं चना और धान जोंधरी, ये भी बहुत अच्छा मात्रा में उपलब्ध कर सकते हैं मंत्री महोदय। मैं इस योजना के बारे में आपको अपने हार्दिक दिल से बधाई देना चाहूंगा। हमर काका कहा थे जैसे चाचा वैसे भतीजा, दोनों जन का वैसे नतीजा, महुन चाहत हूँ। निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय कि हमारे गांव के विकास और हमारे गांव के तरक्की बढ़ी। बस मंत्री महोदय, मैं ये आशा के साथ आप सबला अपने हार्दिक दिल से बधाई दे जाता हूँ। काका जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय जोहार भतीजा। जैसे चाचा वैसे भतीजा, एक नतीजा। मैं हम चाहता हूँ कि अपन क्षेत्र में विकास हो, और आप भी चाहते हैं ये जो नाला ये जो डैम बने हैं मंत्री महोदय, मैं बहुत खुश हूँ। मोर गांव वाले बहुत खुश हैं। मोर ये क्षेत्र का क्या है कि हम लोगों का सबसे बड़ा पानी का समस्या है इस मंत्री महोदय, और ये हमने ये जो डैम बनी से बहुत खुश हो ना, इतना टाप की बनी से
और हमारे गांव के ऊपर ऊपर में है। बस मंत्री महोदय मैं इतना कहकर का कहूँ, मैं हार्दिक दिल से तो मुलाकात भी धन्यवाद ल हम पहली ये वन विभाग वाला मन है अभी तुम्हारे पर बढ़िया बांध बनवा थे। हाँ महोदय है ना, तब अच्छा लगा तो जी 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 क्या मंत्री पहली वन विभाग वाला मन पकड़ के लेगा तेरे गांव वाला मल जी जी समझा था तुम्हारे बात ल। हाँ महोदय पहली ही वन विभाग वाला रही से तो तुम मल्ला लकड़ी चोरी के नाम से पकड़ा दी से। अब ये वन विभाग वाले मन तुम्हारे पर नरवा बना थे, तरिया बना थे, बांध बना थे, अंतर है इसकी नहीं है? नहीं नहीं बना थे भैया, हम लोग का क्या है जंगल धरी का, जैसे जंगल के जानवर मन के पानी पिए पर, हमारे गांव के गांव बछरू भर पिए पर, हमारे गांव में कोनो जगह दसगात होत रहे, गांव भर की इकट्ठा होत रहन ना, तो यहाँ क्या है कि सब मन अब ये तालाब में नहाए पर आही। मैं ये चाहता हूँ मंत्री महोदय की यहाँ कौन बनवाए थे, ये निर्मला घाट भी बनवाने का महान दया करम। अच्छा नहीं गा, मैं पूछा था ये काम लोग कौन विभाग कर रहे थे? ये ला तो फॉरेस्ट विभाग कर रहे थे महोदय। हाँ फॉरेस्ट विभाग वालों ने तुम्हारे बन नरवा तरिया बनवा थे, बहुत बड़ी बढ़िया योजना महोदय। मैं अपने हार्दिक दिल से आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपके सरपंच पति साहब जी जी महोदय जी, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ निर्मल घाट बनवाने का भी दया। हाँ बिल्कुल बनवाना भाई, वहाँ निर्मला घाट बनवाओ जी जी, ठीक है निस्तार के लिए जरूरी है। ठीक हो गया दंतेवाड़ा, हो गया जुड़ गया दत्तेवाड़ा, बात करेंगे प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं डीएफओ दत्तेवाड़ा बात कर रहा हूँ सर। हमारा डिवीजन में पिछले 3 साल में नरवा में 60 किलोमीटर के दूरी और यहाँ पर उपचारित हुआ सर 20,636 हेक्टर का है सर, और कुल संरचनाएं 1,45,515 का निर्मित हुआ सर, उसमें SCT, CCT, GABN, LVCD, WCAT और डाइक और स्टॉप डैम ये सभी बना है सर, और जिस नाला पे हम अभी खड़े हैं सर वो 2021 पे सर बना है सर, वहां पर ये आखिरी स्ट्रक्चर है सर कि रिज से वैली के आते हैं सर, तो वैली का यहाँ पर शॉप डैम बना है सर, ये लास्ट ईयर तो यहाँ पर पानी नहीं है सर अप्रैल और मई महीने में, और इस साल हम यहाँ पर देख रहे हैं सर कि यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर नर्सरी का संचालन और भी कार्य गांव वालों को हम दिया गया सर, और इसके साथ साथ इस साल का हम 7 नाला लिए सर, इसका 60,000 संरचनाएं बनाएंगे सर, और इसके भूमि पूजन भी आपके निर्देश अनुसार अभी विधायक मैडम कह रहे हैं सर, और अभी आपसे बात करना चाह रहे थे। ठीक भैया प्रणाम। प्रणाम भाभी। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ यहाँ आए हैं भैया, पुराना पहले से भी पानी थोड़ा थोड़ा पानी आता था भैया, पुराना पानी भी और बहुत अच्छा जमा होता है यहाँ, बहुत अच्छा है अभी बन गया इधर। अच्छा पिछले साल बना, इस साल गर्मी में पानी ज्यादा था? हाँ बाजे पहले से भी थोड़ा थोड़ा पानी आता भैया, पहले जानवर के लिए अभी तो बहुत अच्छा सुविधा भी हो गया भैया, मस्त पानी है, जगह जगह बनाए डेम मन बनाए, छोटा छोटा बहुत बनाए, तो अच्छा पानी है अभी। चलो बहुत बढ़िया बधाई, कोई गांव वाले हैं उसे बात करा सकते हैं?
आए भैया ले बाबू पूरा बताओ कौन नमस्ते मुख्यमंत्री सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोहित कलाम है सर। जी बताइए, पिछले साल पानी पहले कितना पानी रहता था और ये बनने के बाद पानी कितना है? सर पहले तो पानी गर्मी के समय थोड़ा कम जाता था सर। हाँ। अभी जब डैम वगैरह आए तो थोड़ा पानी रुक रुक जा रहा है सर। पानी रुक रहा है, पानी भरा है? जी सर। तो उसका फायदा उठा रहे हैं कुछ? उठा रहे हैं सर। क्या क्या कर रहे हैं आप सर इस पानी का? मतलब कि खेती में भी उपयोग कर रहे हैं सर। हाँ जी, खेती में सर। खेती में जी क्या सर कर रहे हैं? सब्जी भाजी वगैरह सर। अच्छा, मछली पालन कर लो इसमें, मछली पालन अभी करेंगे सर। हाँ, इस साल करना मछली पालन। जी सर, खूब बधाई। चलो चल नेक्स्ट। जय जवान सर। जय जवान मुख्यमंत्री साहब। जय जवान। मेरा नाम अर्जुन तेलाम है सर। हाँ बोलो भाई। राममूर्ति से सर, मैं मेरे यहाँ सर नरवा के अंतर्गत सर 2-3 तालाब बना है सर। 3 तालाब बना है, उसमें से हम लोग सब सब्जी भाजी लगा रहे हैं सर, और गाय बैल के लिए पीने के लिए हो रहा है, सारे लोगों को लिए भी हो रहा है सर। बढ़िया, तो बधाई। और मछली भी पाल रहे सर, इस साल 4.5 किलो छोड़े थे सर। अच्छा, जी 25 सर। ₹25,000 का बेचे सर। ठीक है भाई, धन्यवाद। चलो गरियाबंद महासमुंद। बहुत बात करेंगे। हाँ जी, आवाज आ रही है? विनोद। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। आपके द्वारा एक परिकल्पना रखी गई थी सर, सिरपुर महोत्सव के दौरान आपने कोडार में इको टूरिज्म लॉन्च करने की घोषणा की थी सर, उसके परिपालन में हमने वहां शुरू किया और अभी कैंपाबंद में आपके मार्गदर्शन में सर 5 करोड़ रुपया महासमुंद जिले के लिए वहां से केंद्र शासन से पास हुआ है सर। उसमें 5 जगह हमें ली है सर, उसमें सबसे ज्यादा राशि कोडार में ही हम लोग यूज कर रहे हैं सर। इको कैंप कोडार के नाम से इसको जान रहे हैं सर। आपने कुछ दिनों पहले सर उसकी एक लघु वृत्तचित्र का भी लोकार्पण किया था सर। साइट अभी संचालित है सर, 10 लोगों को वहां पे रोजगार लगातार मिल रहा है सर। हम आशा करेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद 30 लोग लगातार उसमें रोजगार प्राप्त कर सकेंगे सर प्रत्यक्ष रूप से, और लगभग 80 से 100 लोग सर अप्रत्यक्ष रूप से उसमें रोजगार पाएंगे सर। उसके अलावा शिशुपाल पर्वत सर आप जानते हैं बहुत फेमस रहा है, बहुत सारे लोग उसमें भ्रमण के लिए आते रहे हैं सर। तो विधायक जी की भी इच्छा थी सर वहां पे, और कुछ राशि शिशुपाल पर्वत में हमने रखी है। फिर सिरपुर में सर कुछ राशि का प्रावधान किया गया है सर, सिरपुर में एक इको टूरिज्म की साइट डेवलप की जानी है।
बागबाहरा क्षेत्र में सर कलारी विधानसभा में भी कुछ पैसा 14 डैम में इको टूरिज्म की साइट डेवलप करने के लिए रखा है सर। उसके अलावा सर धसकुंड नाला है सर, एक धसकुंड झरना है जो 5-6 महीने बहता है सर, बहुत सारे लोग वहां पे विजिट करने जाते हैं सर, वहां पे इको टूरिज्म की एक साइट प्रपोज है सर जिसमें होम स्टे का कुछ प्रबंधन किया जाएगा सर। इस तरह से 5 साइट वहां पे प्रावधानित है सर और 5ों का काम हम तेजी से करेंगे सर और लगभग इसमें 80 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 300 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार सर इसमें मिलने की संभावना रहेगी और रायपुर बड़ौदा बाजार गरियाबंद और इधर हाईवे के भी बहुत पास होने के कारण सर यहाँ इको टूरिज्म की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं सर। और आपकी जैसी की परिकल्पना थी सिरपुर में आपने रखी थी सर कि इको टूरिज्म की साइट कोडार के आसपास डेवलप की जाए सर, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे केंद्र के रूप में हम इसको डेवलप कर पाएंगे सर। माननीय विधायक महोदय उपलब्ध है सर, आपसे चर्चा करना चाहेंगे सर। माननीय वन मंत्री जी, सभी माननीय विधायक का, सभी अधिकारी का आपको प्रणाम करता हूँ। आप बैठ के क्यों बात कर रहे हो? जी भैया बैठ के क्यों बात नहीं कर रहे? बैठ के बात करिए। आपके वंशा के अनुसार इको टूरिज्म डेवलप होते हैं यहाँ कोडार में, हमन बहुत अच्छा काम करा था, अभी लगभग 15-1 लाख के टर्न ओवर हुए, अगला टारगेट है लगभग 1 करोड़ के टर्न ओवर हो जी करके, और टेंटिंग की व्यवस्था है, बोटिंग की व्यवस्था हो चुकी है, आपके मंसा के अनुरूप सिरपुर जाए के रूप में आप है, तो बहुत अच्छा एक पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित होते हैं। और तेंदुपत्ता के मामला भी हमारे यहाँ तेंदुपत्ता के लगभग 1 लाख संघार परिवार आता है, उमदा बोनस वितरण होते हैं, उनके लिए भी मैं अपना धन्यवाद दे रहा हूँ महोदय। और आप जो नीति बनाया वन धन खरीदी के लिए आप लोग बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे वनवासी भाई मतलब जिला माध्यम से रोजगार उपलब्ध हो, धन्यवाद महोदय। ठीक है बधाई, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित संसदीय सचिव माननीय चंद्रदेव राय जी, माननीय गिरीश देवांगन जी, माननीय विनोद वर्मा जी, हमारे कैंपा के माननीय सदस्य जीएस धनंजय जी, वसीउल्ला शेख जी, श्रीमती लक्ष्मी साहू जी, पंकज बांधव जी, एम सूरज जी, विभाग के हमारे सचिव एसीएस सुब्रत साहू जी, वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी जी, संजय शुक्ला जी, आदरणीय बजाज जी, श्रीनिवास राव जी, अयाज तंबोली साहब, उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण और वर्चुअल जुड़े हुए सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित अतिथियों, लघु अनुपस्थान के बारे में अभी जो राशि यहां संग्राहकों को पारिश्रमिक प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध कराई गई है वो लगातार तीसरे वर्ष 1 बार 232 करोड़, 1 बार 71 करोड़, अभी 34.41 करोड़। ये अंतर इसलिए आया कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो 2018 चुनाव के पहले ये कहा गया था कि हम तेंदुपत्ता का संग्रहण प्रति मानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4000 करेंगे, तो संग्रहण के समय ही उनको अत्यधिक राशि उपलब्ध हो जाती है और घोषणा के अनुरूप लगातार 2500 से लेके अभी 4000 की का जो वादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था वो लगातार दिया जा रहा है। वर्तमान में 901 समिति कार्यरत है और 13.5 लाख हमारे संग्राहक हैं और निश्चित रूप से लघु अनुपसंघ की तरफ से जो संग्रहण का कार्य 65 जो लघु अनुपज है उसको संग्रहित करने का काम लघु अनुपसंघ के द्वारा किया जा रहा है और काम बहुत अच्छा होने के कारण ही ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि भारत सरकार की तरफ से स्वयं केंद्रीय मंत्री आकर 13 पुरस्कार हमारे लघु अनुपसंघ को यहाँ पर उन्होंने प्रदान किया। अब एक नई कठिनाई जो सामने आ रही है कि अधिकांश राशि जो है लघु वनोपज संग्रहण का वो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उसका उपयोग किया जा रहा है, तो भारत सरकार अब
आगे पैसा देने में अड़ंगा लगा रही है ये लघु अनुपासन, क्योंकि सारा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ही खरीदी हो रही है और 74% खरीदी हम कर रहे हैं। तो जो राशि वो आगे चल के अब उपलब्ध हो सकेगा, और जिस प्रकार से अभी वर्तमान में हमारे 139 वन धन केंद्र हैं और 50 प्रसंस्करण के केंद्र हैं और 121 प्रकार के हर्बल के उत्पाद जो हमारे द्वारा इसको विक्रय का काम किया जाता है। वर्तमान में जो नरवा योजना के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ सरकार की इस प्रकार की योजना है कि 19-20 में 4.87 लाख, 20-21 में 6.3 और 21-22 में 5.65 लाख, अभी 22-23 का भी प्रस्तावित 6.26 लाख। यदि अपन इसको टोटल करते हैं तो 22,81,000 हेक्टर और कुल राशि 743 करोड़। ये 743 करोड़ में 22.81 लाख हेक्टर का भूमि का उपचार। अब जो राशि जितनी राशि व्यय की गई, बड़े बड़े बांधों में भी इतना जमीन का उपचार या सिंचाई की क्षमता में वृद्धि या ग्राउंड वाटर लेवल जो है, भूमि का जो जल स्तर है वो वृद्धि करने का काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। और जो नई व्यवस्था के लिए MOU होने जा रहा है NRSC के माध्यम से, इसमें जो इसका प्रतिफल क्या होगा, भूमि का जल स्तर कितना होगा, कितना उपचार होगा, सिंचाई कितनी होगी, इसके आकलन के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मॉनिटरिंग किया जा रहा है समय समय पर, उसका ये परिणाम है। और कोई भी योजना की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। अब अभी समाचार पत्रों में देखने में ये आया, उत्तर प्रदेश चुनाव के समय मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण में वो ये बोल रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी है ऐसी योजना लाया है कि आप गोबर बेच के भी राशि कमा सकते हैं। मतलब ऐसी योजना लाया है, यानी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना को वो ये बोल रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी है ऐसी योजना लाया है कि आप छत्तीसगढ़ आप गोबर बेच के भी राशि कमा सकते हैं। अब आने वाले समय में ये योजना तो हमारा है नरवा योजना, अब मान लो ये जानकारी वहां तक पहुंच जाए और ये बोलना शुरू करें कि नरवा योजना ऐसा लाया हूं कि 2024 तक पूरा उपचार हो जाएगा, क्योंकि एक चुनाव आगे चल के उनका विचार चलता है, यहाँ जो काम होता है वो हम बता नहीं पाते और वो बहुत एडवांस स्तर में उसको बढ़ा चढ़ा के बता के अभी जब जो अगला जो इनका कार्यक्रम रहेगा वो 2024 में उपचार होगा बोलेंगे पूरा, क्योंकि 2024 में दूसरा चुनाव है। तो कम से कम इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ की योजना है, छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाई गई योजना है जिसमें कम लागत में हम पूरे जमीन का उपचार करते हैं। ना केवल उपचार करते हैं बल्कि जो हमारे नरवा के जो स्रोत हैं उसको पुनर्जीवित करने का भी काम है साफ सफाई के माध्यम से। और इन योजनाओं से प्रेरणा लेके हमारे कवर्धा के एक बहुत ही सक्रिय नदी है, वो उसका साफ सफाई करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे अभी पानी भरना शुरू किया है, तो कवर्धा का क्षेत्र जो है वो वाटर लेवल ऊपर आया है। तो बहुत ही अच्छी योजना है और बहुत सफल क्रियान्वयन के लिए विधायक को मैं, हमारे विभाग को मैं बधाई देना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी योजना आम जनों के हित के लिए आपने बनाई है और मॉनिटरिंग के माध्यम से हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित वन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, भाई चंद्रदेव राय जी, देवती कर्मा जी, विनोद चंद्राकर जी, भाई गिरीश देवांगन जी, भाई विनोद वर्मा जी, भाई शेख जी, पंकज जी, लक्ष्मी जी, धनंजय जी और सूरज जी, हमारे ACS सुब्रत साहू जी, चतुर्वेदी साहब, बजाज जी, संजय कहाँ गया, अच्छा संजय शुक्ला जी, राव साहब, अयाज जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित जिलों से जुड़े हुए सभी हमारे भाइयों बहनों
और सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, जम्मू वनवासी भाई बहनी मल्ला जय जोहार। हम लोगों ने खेती किसानी के समानांतर वन और वनोपज से आधारित एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण की शुरुआत की थी, ताकि हमारे ग्रामीण तथा वनवासी भाई बहनों को दोहरा लाभ हो सके, दुगुनी ताकत के साथ उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके। मुझे खुशी है कि हमने दोनों ही मोर्चों पर बड़ी सफलता अर्जित की है। एक तरफ हमारी खेती किसानी मजबूत हुई है, तो दूसरे तरफ वन तथा वनोपज से होने वाले आय में बढ़ोतरी हुई है। वनोपज को ग्रामीणों की नई ताकत बनाने के लिए हमने अनेक स्तर पर पहल की है। समय समय पर वनवासी भाइयों को हम नई नई सौगात देते रहे हैं। आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी सौगात दी जा रही है। प्रदेश के वनों के संरक्षण संवर्धन के साथ साथ भूजल स्तर वृद्धि के लिए प्रदेश में नरवा विकास योजना संचालन किया जा रहा है। 2022-23 में प्रदेश के 40 वन मंडलों में कैंपा मत से 352,00,000 रुपये की लागत से नरवा विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है। आदरणीय साथियों, मैं इसमें बताना चाहूँगा, अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सरगुजा संभाग का भी दौरा मैंने किया, बस्तर संभाग का भी मैंने दौरा किया। जहाँ जहाँ नरवा का कार्यक्रम हुआ है, वहाँ के किसान बहुत प्रसन्न हैं। एक ही फसल नहीं, दूसरी फसल भी ले रहे हैं। वनांचल में जो जल स्तर में वृद्धि है, वो 30-30 सेंटीमीटर तक के देखा गया है, और मैदानी हिस्से में वो वृद्धि है केवल 7-10 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये है कि वनांचल में पानी का दोहन, भूजल का दोहन कम किया जाता है, ट्यूबवेल कम है, खेती कम है, लेकिन जहां मैदान में आते हैं बसाहट अधिक है, तो ट्यूबवेल की संख्या भी अधिक है और सिंचाई भी अधिक होता है, तो इसलिए दोनों अंतर दिखाई देता है। लेकिन इससे एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो लघु वनोपज खरीदी उसका वैल्यू एडिशन और साथ ही नरवा कार्यक्रम के कारण से जो वनांचल में रहने वाले लोग हैं, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के प्रति उनकी दृष्टि बदली है। पहले इन अधिकारी या कर्मचारियों को या रेंजर को देखते ही आदिवासी भयभीत होते थे, आज अपने सहयोगी, मार्गदर्शक और हितैषी के रूप में देखते हैं। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है। जो आदिवासी जल, जंगल, जमीन की बात करते थे, तो जहां वन अधिकार पट्टा हमने दिया और जमीन को सुरक्षित करने का काम, उसके उपचार करने का काम और जंगल बचाने का काम, तीनों काम हम लोगों ने किया है, तो इससे बड़ा लाभ हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि सूरजपुर में जल स्तर बहुत नीचे है, जबकि पिछले साल नरवा कार्यक्रम में हमको प्रथम स्थान मिला था, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला था। उस ज़िले में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे है, तो वहाँ अतिरिक्त आपको प्रोजेक्ट बना के काम करने होंगे। दूसरा उसी प्रकार से सुकमा है, बीजापुर है, यहाँ भी जल स्तर काफ़ी नीचे है, वहाँ भी आपको काम करने की ज़रूरत है। सूरजपुर में कोयला है, तो यहाँ लाइमस्टोन और क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट होने के कारण सुकमा ज़िले में आपको हैंडपम्प में पानी नहीं मिलता, इसलिए नरवा का उपचार ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ करने से लोगों को फ़ायदा होगा। मैं सुकमा ज़िले की एक घटना बता रहा हूँ, वहाँ बहुत बढ़िया काम, नाला का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वहाँ के 80 किसान मुझसे मिलने आए थे, और वहाँ बिना बिजली के उन्होंने हाइड्रो पंप लगाकर करीब 80 एकड़ से अधिक वो सिंचित किए हैं, और वो साइफन सिस्टम से किए हैं। एक बार इस्टेब्लिशमेंट चार्ज भर लगता है,
फिर बिजली और मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं, 20 साल तक के प्रोजेक्ट चलेगा। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, ऐसे बहुत सारे साइट हमारे इन जहां जहां अभी अभी मनेंद्रगढ़ में जो नाला आप दिखा रहे थे काफ़ी हाइट में है, यदि उसमें आप उस टॉप डैम जहां जहां बने हैं और उसमें यदि उस प्रकार के प्रोजेक्ट लगाएंगे तो किसानों को उसके पानी मिल सकता है। सुकमा में और भी साइट मैंने देखा हेलीकॉप्टर से, उस जगह भी पानी सिंचाई किया जा सकता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी हमको जो मिला है उसका लाभ हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए ताकि जंगल में जो रहने वाले किसान हैं उसको लाभ मिल सके। इसी तरह कांकेर में भी पानी की बड़ी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने समर्थन मूल्य में धान खरीदी किया और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा मिल रहा है, संजय शुक्ला ने मिलेट्स में बहुत बढ़िया काम किया है, वैल्यू एडिशन का काम किया है, विक्रय के भी काम किया है, तो खेती किसानी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। और इसी कारण से वनांचल में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं, बस्तर में ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां बैंक की मांग ना हो, ये बड़ा बदलाव है। अब आदिवासियों के जेब में पैसा है, सुबह से लेकर शाम तक के बैंकों में पैसे निकालने के लाइन लगा कर रखे हैं, इसलिए बैंकों की मांग हो रही है। ट्रैक्टर के एजेंसियां सड़क शहर के किसी सड़क में चल दें तो आपको ट्रैक्टर की एजेंसी आपको मिल जाएगी, मोटरसाइकिल के शोरूम आपको मिल जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे तरफ ये भी चिंता का विषय है। अभी कोंडा गांव में जैसे गया था, वहाँ एक एक विधानसभा में 500-500 कनेक्शन मांग रहे हैं बिजली के। तो बिजली की मांग हो रही है, मतलब ट्यूबवेल हुआ है, तो बोर खनन हुआ है और वह पंप लगाएंगे, पंप लगा के फिर पानी उलीचेंगे, खेती बढ़ेगी, आय बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा खतरा है कि हमारा भूजल स्तर नीचे जाएगा। और इसके लिए नरवा प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दोनों को पैरेलल हम लोग चलाए हैं। जो शुरुआत में मैंने कहा कि हमने जहां एक तरफ खेती किसानी को और दूसरे तरफ वनांचल में रहने वाले लोग और उसके लघु उपज का वैल्यू एडिशन किए हैं, तो आय में वृद्धि हुई है, तो वहीं पानी का खपत भी हमारा बढ़ रहा है। तीसरे तरफ जहाँ नल जल योजना हम लोग शुरू कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ है, प्रदेश में भी हमारा शुरू है, तो घर घर में प्रति व्यक्ति 55 लीटर के हिसाब से जब पानी उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है, तो ऐसे में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए एक तरफ सरफेस वाटर है तो दूसरा अंडरग्राउंड वाटर, दोनों को सहेजने के पुनर्भरण और सहेजने की आवश्यकता है। तो इसमें जितना तेज़ी से काम करेंगे उतना ही हम भविष्य में आने वाले समय में हम आने वाली पीढ़ी को जल उपलब्ध कराने में सफल होंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें गुणवत्ता में कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। महासमुंद वन मंडल में 5 करोड़ रुपये लागत से इको टूरिज्म विकास के कार्य का भी आज शुभारंभ किया। वहाँ के विधायक ने, अधिकारियों ने बताया कि अभी तो 10 लोग उससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, आगे उसको 100 लोगों को प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त होगा, बहुत बधाई। साथ ही लघु उपज और तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य रुकने नहीं दिया और विपरीत परिस्थिति में के बावजूद हमने देश में सबसे ज़्यादा लघु उपज संग्रहण किया है। लगातार 3 वर्षों में हमने लघु उपज संग्रहण के मामले में देश में अव्वल राज्य बने हुए हैं, और अव्वल राज्य बने कारण से जो स्थितियाँ बनी कि 74% लघु उपज हम खरीद रहे हैं, तो भारत सरकार के नज़रें हमारी पर टेढ़ी हुई है, जिसके बारे में वन मंत्री ने हमको आगाह किया है। भले हम केंद्र सरकार से फिर आग्रह करेंगे, लेकिन मान लो ऐसी परिस्थिति बनी भी तो हम काम रुकने नहीं देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। 2020 में हुए संग्रहण कार्य तथा उनके व्यापार के लिए 432 समितियों को 4,72,000 संग्राहकों को आज 34,41,00,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। तो ये मैं आप सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। साथ ही 2018 के सीजन के लिए भी 728 समितियों के 48,528 संग्राहकों को 232 करोड़ की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई थी। अब उसी प्रकार से आने वाले वर्षों में रेट बढ़ने के बाद भी वो राशि मिलेगी, ये हमारे वन विभाग के अधिकारियों की कुशलता के कारण से, मंत्री के सतत निगरानी के कारण से संभव हुआ कि 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदने के बाद भी हम
प्रोत्साहन राशि देने में सफल होंगे, अन्यथा हम लोग तो सोच रहे थे कि हमारी समिति घाटे में जाएगी, लेकिन आप सब लोगों की मेहनत से ये संभव हुआ। एक बड़ी बात जो अब लगातार जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हमारे संजीवनी में और सी मार्ट के माध्यम से, हम लोगों ने चाहे वो बीजापुर हो, चाहे कोंडागांव हो, कांकेर हो, सभी जहाँ जहाँ जिन जिलों में गए हों सी मार्ट का मैंने लोकार्पण किया है। बहुत सुंदर सी मार्ट बना है, वहाँ सभी प्रकार के सामग्री उपलब्ध है। आपको केवल इतना देखना है कि जो सामग्री आप वहाँ रख रहे हैं बाजार दर से उसकी कीमत कम होनी चाहिए। एक आध दो वस्तु ऐसे मैंने देखे जिसके रेट अधिक थे, तो उस बात को भी आप लोगों को देखना होगा। एक अच्छी बात अभी संजय शुक्ला जी ने बताई कि पहली बार ऐसा हुआ है कि महुआ का संग्रहण नेट के माध्यम से हुआ है। कटे कल्याण की हमारी जो समूह की महिला है उस बहन ने बताया कि हमारे यहाँ जो महुआ हमने नेट से इकट्ठा किया वो महुआ 116 रुपये में इंग्लैंड में बेचा गया, जो 30 रुपये 40 रुपये में बेचते थे 45 रुपये तक की साल महुआ कीमत गया, लेकिन वह महुआ नेट में इकट्ठा करने कारण से, क्योंकि ज़मीन में गिरता है, ज़मीन में गिरने से उसमें मिट्टी भी लगता है, कंकड़ भी आते हैं, कलर डिसकलर हो जाता है, तो उसके कारण से उसकी गुणवत्ता में भी प्रभाव पड़ता है, और जब नेट में इकट्ठा करते हैं तो वो उसके न गुणवत्ता में कोई फर्क पड़ता न ही उसमें मिट्टी और कंकड़ लगते। साथ ही साथ नेट में इकट्ठा करने से नीचे की ज़मीन को साफ करना और बिनना, एक एक बिनना, वो भी समय भी बचता है, श्रम भी बचता है, और दूसरा कई बार नीचे ज़्यादा घास फूस रहता था आग लगा देते, जंगल में आग भी लग जाती है, उससे भी बचाव हो रहा है। तो नेट में इकट्ठा करने से उस महुआ का जो कीमत है 40 रुपये से बढ़ के 116 रुपया हुआ। तो महिला बोल रही थी कि जब हमारा महुआ इंग्लैंड गया है वो क्या उपयोग करते हैं, वो देखना चाहती हूँ। मैंने उसको विश्वास दिलाया कि ज़रूर आपकी समिति के महिलाओं को इंग्लैंड भेजने की व्यवस्था की जाएगी, उसका पासपोर्ट वीज़ा वगैरह बनवाइए, उन लोगों को भेजेंगे। मैं उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि ये कुछ जिलों में इसका प्रयोग हुआ है और बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिला है। तभी जिस प्रकार से शुक्ला जी ने बताया कि 5000 क्विंटल हमने संग्रहित किया इस साल, अब अगले साल के 60,000 क्विंटल का लक्ष्य रखा है। उसी में एक बात और कहना चाहूँगी, इससे भी ज़्यादा कीमती हमारा चार चिरौंजी है। उसमें हम लोग देखते हैं कि चार चिरौंजी की इकट्ठा करने के लिए डंगाल काट देते हैं, पेड़ काट देते हैं, इसका भी संग्रहण नेट से करें, और चूंकि छोटे छोटे फल रहते हैं और अलग अलग समय में पकता है, तो पेड़ को हिला के उस गिराने की व्यवस्था ऐसा कुछ आप लोग व्यवस्था करें ताकि पेड़ कटे मत और वो उसकी कीमत, अब देखिए जब उसके किए तो 1200 रुपये तक के एक किलो बिक रहा है चिरौंजी, इससे ज़्यादा कीमती और क्या हो सकता है। कोरबा वगैरह जिला के चार चिरौंजी तो और ज़्यादा कीमती है, तो उसको बचाने के इस नेट से भी संग्रहण कर लिया जाए, क्योंकि एक एक दाना बिनने के बजाय और काट देने से कुछ पका रहता है कुछ अधपका रहता है, तो क्वालिटी में भी फर्क पड़ जाता है, तो उससे अच्छा है पके तभी उसको तोड़ा जाए, तो उसको पेड़ जैसे हिलाने की कुछ व्यवस्था करें ताकि वो फल पके तो गिर जाए, जितना पका वो गिर जाए और संग्रहित कर लिया जाए, तो उसको भी नेट से करने की प्रयोग हम लोग करना चाहिए। वही नेट उपयोग हो सकता है, महुआ के बाद ही चार चिरौंजी आता है, एक साथ नहीं आता, तो उस नेट का उपयोग ऐसा भी किया जा सकता है, उसमें भी हम लोगों को देखना चाहिए। इस प्रकार से कोदो कुटकी रागी का भी खरीदी इस साल करीब 16,58,00,000 हमने की है। रैली कोसा के भी इस साल शुरुआत की है। इस साल पिछले साल से हम लोगों ने वन विभाग को मैंने निर्देशित किया था कि फलदार वृक्ष लगाएं, तो करीब 80 लाख फलदार वृक्ष लगाए गए। इस साल का लक्ष्य कितना? तेईस लाख पेड़ लगाए जाएंगे, 50 लाख पेड़ इस साल भी लगाए जाएंगे। फलदार वृक्ष लगाने से फायदा, आज जंगल में जाने से भय लगता है, तो जंगल अब हमारा सुंदर होना चाहिए,
लोगों का आकर्षण बढ़ना चाहिए। जंगल लोग लकड़ी चुराने लकड़ी काटने के लिए ना जाएं, बल्कि जंगल इसलिए जाएं कि वहाँ फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, शुद्ध फल खाने को मिलेगा। चाहे आप उसमें आम लगाएं, लीची लगाएं, दंतेवाड़ा में कितना बढ़िया लीची आपको खाने को मिलता है। तो जितने फलदार वृक्ष हैं वही लगाएं, इन फलों को लगाने से फ़ायदा होगा, लोग जंगल के में घूमने जाएंगे, पेड़ काटेंगे नहीं। और तीसरी बात यह है लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और चौथी बात यह है कि जंगल के जो पशु पक्षी हैं उसको भोजन मिलेगा। जब वहाँ पानी रहेगा और भोजन रहेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए गांव के तरफ जो जंगली पशु वो नहीं आएंगे। आज हम गरियाबंद वगैरह हम देखते क्या हैं, तेंदुआ तब आता है जब पानी नहीं मिलता जंगल में, तो गाँव घुस जाते हैं, घर में घुस जाते हैं और उसके अंदर घटनाएँ घटती हैं। तो ये सब चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हमारे जंगल में नालों में पानी होना चाहिए। अभी जिस प्रकार से सब साथियों ने बताया, जो फरवरी मार्च में पानी सूख जाता था, अब वो अप्रैल मई तक के पानी हमको दिखाई दे रहा है। और ये तो एक साल की बात है, दो साल की बात है, यही दो चार पाँच साल जब बीत जाएगा तो समझ लो वो बारह महीना वहाँ आपको पानी मिलेगा। तो वहाँ हरियाली होगी, जमीन जमीन में नमी होगी, तो हमारे पेड़ तो रहते ही हैं, हमारे जो वनौषधि हैं, हमारे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो भी जीवित रहेंगे, और वो जीवित रहेंगे तो तितली से लेके मधुमक्खी तक के सारे हमारे पक्षियां भी रहेंगे, और वो भी रहेंगे तो मधुरस भी होगा, मधुरस होगा तो भालू भी खाने का, भालू मधुरस तो प्रेमी ही होता है। तो इस प्रकार से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग बढ़ावा दे सकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जंगल में रहने वाले लोगों की सड़कें भी हम बना रहे हैं, आवागमन की सुविधा भी होए, स्कूल की व्यवस्था है, आमदनी में वृद्धि हो रही है, हाट बाज़ार क्लिनिक के माध्यम से इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। तो जंगल में रहने वाले लोग अपने आप को भाग्यहीन नहीं बल्कि भाग्यशाली मानेंगे, तो वो परिस्थिति हमको पैदा करना है। तो उस दिशा में हमारी सरकार बढ़ रही है और वन विभाग लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। अभी आवर्ती चराई के भी काम लगातार वृद्धि हो रहा है, तो वो भी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप होगा, और वहाँ सभी प्रकार के मछली पालन, सुकर पालन, गाय पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन इससे होगा, इससे लोगों के आय में वृद्धि होगी। तो हमारा जंगल भी हरा भरा होगा और वहाँ के लोगों के आय में वृद्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई शुभकामना देते हुए इस काम को एक अभियान की तरह हम लोग सब करें, ताकि हमारा छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ महतारी जो हरा रंग की साड़ी पहनी हुई है, वो हरियाली बनी रहे, बारह महीना हरा भरा हमारा छत्तीसगढ़ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई और शुभकामना देते हैं, अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर। जो फ्लैगशिप योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनमें से नरवा तथा लघुवनोपज से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की जवाबदारी वन विभाग को और संघ को दी गई है। आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम लक्ष्य को हासिल कर सकें और वनों पर आश्रित परिवारों की बेहतरी के साथ साथ जंगल, जल जंगल, जमीन के संसाधन एवं उनके संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर सकें। इसलिए हम ये जो आपने हमें दायित्व दिया है हम उसे पूरा करेंगे, और इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। माननीय वन मंत्री जी के कुशल प्रशासनिक नियंत्रण और मार्गदर्शन हेतु तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा जो मनोबल बढ़ाया है उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारियों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हमारे सारे अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।